लेकिन किसी ने भी मुझे फोन नहीं किया। इसका मुझे बहुत बुरा लगा कि किसी को भी लगा नहीं कि रानी जिंदा है कि मर गई, वो भी देखो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले पोस्ट किया था कम्युनिटी पे कि मुझे नागिन हुई है, तो मुझे ये कमेंट आ रहे थे कि नागिन क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों को तो वो पता नहीं था। फिर उसके बाद कैसे ठीक होने का, ये मुझे तक पता नहीं था। तो जब मुझे पता चला था कि मुझे नागिन हुई है, तो मेरे तो पैरों के नीचे की जमीन फिसल गई थी, क्योंकि मुझे अकेले को परी को भी संभालना था और मैं अपने आप को कैसे रिकवर करती। तो ये बहुत ज़्यादा डर लगा था, लेकिन फिर भी हो गया। और अभी भी इसके निशान है कहीं कहीं पे, और उसकी खपलियाँ अभी जा रही है, यहाँ पे भी अंदर पूरी है थोड़ी थोड़ी। तो इसलिए सोचा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि नागिन क्या होती है और ये क्या होता है, तो सोचा कि अपना एक्सपीरियंस भी बता दूँ और इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले नागिन मतलब कि हार्पीज उसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो हार्पीज एक बीमारी है जो कि कभी भी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको ये एक बार हो गया तो वो नेक्स्ट टाइम फिर नहीं होता है। लाइफ में एक ही बार होता है हार्पीज, तो उसे हमारे मराठी में शायद नागिन बोला जाता है। तो ये जो होता है ये वायरल इन्फेक्शन होता है, ये किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मुझे ही हुआ, किसी को भी कभी भी हो सकता है। तो ये इसका निशान है मेरे जो फेस पर है, ये अभी कब जाएगा पता नहीं, धीरे धीरे करके अभी कम हो चुका है। तो पता है जब मुझे ये पता चला था ना, मुझे बहुत डर लगा था। और ये ऐसा है ना कि आपके साथ जो आपको देख के उनको भी हो सकता है, तो परी तो मेरे ऊपर ही खेलती रहती थी, तो मुझे इतना ज़्यादा डर था कि परी को ना हो जाए। लेकिन फिर भी मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गई। तो मेरी जो जर्नी रही ये हार्पीज बीमारी की, तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं कि किस तरह से। मैं आपको बता दूं कि हार्पीज जैसे मैंने कहा एक वायरल इन्फेक्शन है, उसमें होता क्या है। तो पहली बात तो हार्पीज अपने बॉडी के तीन पार्ट्स में हो सकता है। किसी को फेस पे होता है, जैसे कि मैंने कहा नागिन बोला जाता है, तो फेस पे आंखों से स्टार्ट होता है और वो सर तक जाती नागिन, मतलब वो ऐसा बोला जाता है कि वो नागिन का जो बेड़ा रहता है, नाग बेड़ा, वो सर तक जा सकता है। तो मेरा भी आंखों से स्टार्ट हो गया, मेरे भी सर में यहाँ पे है थोड़े थोड़े पिंपल्स, यहाँ पे भी छोटे छोटे फूडीज, तो मेरे भी पूरे यहाँ से स्टार्ट हुए थे। जैसे कि आपको मैं थोड़ी देर के बाद आगे एक दो वीडियो देखेंगे जो कि मेरे उस टाइम के थे जब मुझे वो चल रहा था, तो आपको दिखेगा मेरा फेस कैसा लग रहा था। तो एकदम छोटे छोटे चावल के दाने जैसे पिंपल्स होते, तो उसके अंदर पानी मतलब पानी बोल सकते आप या पू बोल सकते, वो भरा हुआ रहता है। लेकिन वो ऐसे दूर दूर नहीं आते, जैसे कि किसी को बोलते माता जी होती तो वो किसी दूर दूर आपको डॉट 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 होते, तो ये ना एक साथ ऐसे झुंड में आते, तो वैसे होता है। तो ये इसी का एक निशान है। फिर मेरे यहाँ पे आईब्रोज भी आए थे, यहाँ पे आए थे, ये देखिए यहाँ पे आए थे, ये अभी आज ही खपली निकली इसकी। फिर यहाँ पे थे, यहाँ पे अंदर है अभी भी, और शायद मैं दिखा दूँ, ये देखे ऐसे अंदर भी है। तो ये कुछ झुंड में आता है, तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर दिखाती हूँ आपको, कुछ इस तरह से होता है। तो ये फेस पे एक तो आता है, या फिर आपको पेट और पीठ में आता है, तो वो भी इस नागिन के जैसे दो वेड़ा लेता है, या फिर आपके प्राइवेट एरिया में आता है। तो ये कहीं भी किसी को भी कहीं पे भी आ सकता है। तो ये कुछ इस तरह की बीमारी होती है, ये वायरल इन्फेक्शन है, इसका किसी से कुछ लेना देना नहीं। बट हाँ, अगर आप जिसको हुआ है उसको देखते हैं तो आपको हो सकता है, या फिर अगर आपको हुआ है तो आपके जो घर वाले उनको भी हो सकता है। तो ये कितने दिन तक रहता है, तो देखिए इसकी कोई वैलिडिटी टाइम नहीं है। मैंने जितना जब ये मुझे हुआ ना, उसके बाद मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सर्च किया, तो ये मुझे पता चला कि कुछ लोगों को इसके जो दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसमें, बहुत ज़्यादा, तो इसका जो दर्द है वो 10-10 साल तक भी होता है। कि ये किसी को इसके निशान जाते नहीं, निशान रहते वहीं पे, जल्दी से जाते नहीं। कोई कोई लोगों को उसके जो दर्द है वो आगे भी फील होते हैं, ऐसा रहता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो आपके वो बने उसमें आग होती, आग, इतना खतरनाक पेन होता है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, मतलब बहुत खतरनाक पेन होता है वो। अंदर से ना ऐसे आग होती है, और अगर बाय मिस्टेक भी उसको अगर हमारा हाथ लग गया है, जो परी के मुझे 2-3 बार थप्पड़ लगे,
तो मेरी मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, ऐसी हालत हो जाती है, तो बहुत डेंजर रहता है अगर ये आपको होता है तो। लेकिन हाँ, इसमें आप रिकवर भी हो सकते हो, बस ये कि आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है। इस टाइम पे आपके माइंड में बहुत कुछ सवाल आते हैं। मेरे मन में तो जैसे मैंने कहा, जब मुझे पता चला तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन फिसल गई कि मैं अभी ठीक होंगी कि नहीं होंगी, और मेरी वजह से परी को तो नहीं होगा क्योंकि परी तो मेरे पास ही रह रही है, और अगर उसको हुआ तो मैं क्या करूंगी, उसको संभाल के मैं कैसे खुद को संभालू, बहुत कुछ सवाल आए, लेकिन हो गया मैनेज। तो जैसे मैंने कहा उसमें आग होती है, तो ये कब तक जा सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ये 7-8 दिन तक आते रहते हैं, फिर बाद में चले भी जा सकते हैं या फिर आते रहेंगे, आपको उसके ऊपर जो है जो ट्रीटमेंट है वो करनी पड़ेगी। तो ये रहता है नागिन, मतलब कि हारपीज जो मैंने कहा, वो बीमारी वो कुछ इस तरह से होती है। इसमें आपको क्या पथ्य पालने पड़ते हैं, मतलब क्या खाना नहीं चाहिए, ये मैं आपको बता दूं क्योंकि वो मैंने भी फॉलो किया था। और जैसे मैंने कहा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने नेट से ही निकाली है, ऐसे नहीं कि मुझे पता था, क्योंकि मुझे कुछ भी पता ही नहीं था। फिर इसमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसमें आपको दही दूध ये नहीं खाना चाहिए, जिस आ, 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 ये खट्टा खाना नहीं चाहिए, जैसे कि अचार नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, जिसमें कि जिसमें से पानी निकल सकता है ना, जैसे दही से निकलता है, तो वैसी चीजें खट्टी चीजें नहीं खाने की। दूध भी नहीं पीना चाहिए, दूध से भी ये बढ़ने के चांसेस होते हैं। गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि नॉनवेज हो सके तो बिल्कुल मत खाइए, अपने घर में बनाइए भी मत, क्योंकि हमें उसकी आस लगती है ना, अगर घर में भी बना हो तो यार मुझे मिलता तो वो भी नहीं लगनी चाहिए, आस भी नहीं लगनी चाहिए, वो अच्छा नहीं रहता है। और गर्म चीजें बिल्कुल भी नहीं खाने की। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने ना खिचड़ी दाल ढोकली ऐसे सिंपल सिंपल खाना प्रिफर किया, जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, बस मैंने इतना समझ लिया कि गर्म चीजें नहीं खाने, क्योंकि आपके बॉडी में वो गर्म रहता है, वो जो आपको हुआ रहता है हारपीस, वो ही एक गर्म चीज है, मतलब गर्मी से हुआ है वो, तो इसीलिए वो गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए। तो फिर मैंने नॉनवेज वगैरह वो कुछ भी नहीं खाया पिछले पूरे 1-1.5 हफ्ते से। और जैसे मैंने कहा कि ठंडी ठंडी चीजें खाइए, खिचड़ी सिंपल सिंपल सा खाना खा सकते हैं। ये जाने की कोई ये नहीं होता, लेकिन मैंने जो भी इलाज किया वो मैं आपको तो जरूर अभी ये शेयर बता करूँ। दूं मैं आपको कि मुझे ये सब पता कब चला और कब से ये हुआ। तो एक्चुअली मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं आईब्रो करके आई, तो उसके बाद से मुझे लगता है नवरात्रि के 5वें दिन से, शायद 19 तारीख से या 20 तारीख से मुझे थोड़ा थोड़ा मेरी आँख सूजने लगी। अब जैसे मैंने कहा मुझे फेस पे हुआ था, किसी को बॉडी पे होता है तो वहां पे डॉट डॉट आना स्टार्ट हो सकता है, मुझे फेस पे हुआ था तो मेरी आंख से स्टार्ट हुआ था, तो मेरी आंख ना सूजती जा रही थी हर दिन। तो जैसे मैंने आपने अगर मेरे कुछ इसके पहले के कुछ वीडियो देखेंगे ना, लास्ट के 3-4 वीडियो, तो उसमें आपको दिखेगा हर वीडियो में मेरी आंख थोड़ी थोड़ी ज्यादा ज्यादा सूजी हुई दिख रही है। तो मेरी आंख पहले सूजने लगी, तो मुझे पहले ये लगा कि मैं वहां पे आईब्रो करके आई इसीलिए मुझे वो इन्फेक्शन हुआ, शायद उसने धागा ठीक से यूज नहीं किया, ऐसा कुछ हुआ। और यहाँ पे ना मेरा दर्द होने लगा, छोटी छोटी पिंपल्स आने लगी, तो मुझे पहले लगा कि वो उस वजह से हुआ। हर दिन उठती थी ना मैं, तो हर दिन ये ज्यादा होता गया ज्यादा होता गया, जैसे मैंने कहा नवरात्रि के 5वें दिन से कुछ स्टार्ट हो गया। तो जब दशहरा था ना, दशहरे के दिन मुझे, दशहरे के पहले रात को मेरे पहले यहाँ पे मेरा सूजने लगा, इतना सूजा ना कि मेरी आंख छोटी हो गई, जो कि आपको आगे दिखेगा। और फिर यहाँ पे ना मेरे ये वाला निशान है ना, ऐसा वो जो जख्म है ना वो स्टार्ट हुई होना, ये तो अभी सूख चुकी है, अभी निकल जाएगी, लेकिन वो स्टार्ट हुई होना यहाँ पे होने के बाद, यहाँ पे मेरी पूरी तरह से माथे पे फोड़ी आ गई, यहाँ पे फोड़ी आ गई, यहाँ पे अंदर मतलब पेन होने लगा, तो ये पूरा मेरा एरिया बहुत ज्यादा पेनफुल रहा, मतलब बहुत ज्यादा पेन होता था इसमें। फिर दशहरे के दिन जब मैं उठी ना सुबह, तो मेरे यहाँ पे और यहाँ पे ये पूरी आईब्रो मेरी छोटी छोटी पिंपल से भर गई थी, मतलब ये मेरा आँख पूरा भर गया था। फिर मैं इतनी डर के उठी ना, उठते मैंने जब आईने में देखा ना, तो मुझे इतना डर लगने लगा कि त्योहार है, मतलब खुशियों के दिन मेरे घर में क्या हो रहा है। फिर उस दिन मैंने राज को बोला मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मैं कभी डॉक्टर के पास जाती नहीं हूँ, मतलब मैं दूर भागती हूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं मुझे जाना है, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। फिर जब डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे कहा, पूछा पहले, आपको जब भी जो भी चीज होती है ना, आपको वो ध्यान रखना चाहिए कि कब किस चीज कौन सी दिन क्या क्या हुआ है, वो आपको याद रखना चाहिए। अगर मैं डॉक्टर को सही सही से नहीं बताती ना, तो डॉक्टर नहीं गेस कर पाते। और मुझे अंदर भी, जैसे मैंने कहा यहाँ पे हुए, अंदर भी फोड़े होते जा रहे थे,
तो अगर उस दिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती तो शायद ये मेरा पूरा भर जाता चेहरा। लेकिन मैंने सही टाइम पे, वो था ना राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना जरूरी होता है, तो वो मैंने लिया था। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आपको यहाँ पे कुछ मारवार लगा था क्या? मैंने बोला नहीं। तो बोलते फिर ये क्या? मैंने बोला कि मैंने आईब्रो करके उसके बाद ही हुआ, क्या हुआ वो नहीं पता। थोड़ा मैंने मास्क पहना था, डॉक्टर ने कहा मास्क निकालो, उन्होंने दोनों आंखें चेक की, तो उन्होंने पूछा मुझे कि कब से होने लगा और क्या क्या हुआ। मैंने उनको जैसे आपको बताया वैसे पूरा बताया। मेरी पहले आंख सूजी, फिर यहाँ पे दर्द हुआ, फिर यहाँ पे पिंपल्स हुए, फिर यहाँ पे फोड़ी हुई, फिर अंदर हुए, और फिर रात को ये पूरा फोड़ियों से भर गया। ऐसा मैंने पूरे डिटेल में बताया, और यहाँ पे भी हुआ ये सब। मैंने जैसे जैसे हुआ ना वैसे सीक्वेंस में उनको बताया। फिर डॉक्टर को ये समझ में आया कि मुझे नागिन हुई है, मतलब कि हारपीज बीमारी हुई है। तो मैंने उनको पूछा कि ये किस, जब उन्होंने ऐसा बोला कि आपको नागिन हुई है, तो मुझे बहुत डर लगा। नागिन, माता, जो माता थी ये जो होती ना उसमें ऐसा होता कि वो आपको, उनको छूना भी नहीं होता किसी को। और सबसे बड़ा डर मुझे परी के लिए लग रहा था कि परी मेरे पास रहती, मैं अभी परी को कैसे संभालूंगी, इसलिए मेरी हालत खराब हो गई थी कि अभी कैसे मैनेज होगा। तो फिर डॉक्टर को मैंने पूछा कि अभी ठीक कैसे होगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये क्रीम लेकर आओ। पहले तो उन्होंने मुझे क्रीम लिख कर दी जो कि मैंने आपको आगे दिखाई, आप देखिएगा। तो वो क्रीम मुझे लाने के लिए कही और फिर बोला कि ये दवाइयाँ लीजिए। तो मैंने कहा मैं दवाई नहीं खाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो आपको ये पेन जाएगा नहीं। जो उन्होंने ट्यूब दी थी उससे वो जख्म जो है, वो जो दाग, वो जो पिंपल्स, वो कम कम होते जाएंगे, लेकिन उसमें जो दर्द हो रहा है वो नहीं कम होगा। तो भी मैंने कहा था कि मैं नहीं लूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको 2 दिन का टाइम देता हूँ, अगर 2 दिन में ये आपका बढ़ता गया, कम नहीं होता गया, तो आप वापस आइए। या अगर आपको यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक भी या यहाँ तक भी होता है, तो आपको तुरंत यहाँ पे आना है और तुरंत आपको दवाइयाँ लेनी है। अगर आप दवाई नहीं लोगे तो ये ठीक नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। फिर मैंने उनको पूछा कि मेरी वजह से मेरी बेटी को भी हो सकती है, तो उन्होंने कहा 100% चांसेस है, हो सके उतना उससे दूर रहिए। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उससे दूर कैसे रहूं, पर ही उल्टा मेरे ऊपर ही कूद रही है, तो कैसे उसको उससे दूर रखूं? पूरे पिछले 1.5 साल में वो मेरे साथ रही, तो मैं कैसे मैनेज करूंगी? तो फिर उन्होंने वो ट्यूब लीक कर दी, तो वो ट्यूब ली मैंने। उन्होंने कहा अभी घर जाके आराम करो और ये ट्यूब लगाओ। तो मैं आपको बता दूं मेरे पूरे इलाज में वो जो उन्होंने क्रीम दी थी वो और नीम के पत्ते का लेप, ये 2 काम ही वर्क किए, बाकी कुछ नहीं हुआ, मैंने और कुछ नहीं किया। ये जो नागिन बीमारी है इसमें ज्यादातर होम्योपैथी यूज होता है, मतलब आप जो भी आयुर्वेदिक उपचार करते हो उसे वो ठीक हो जाता है। तो फिर मैंने घर पे आके बहुत कुछ नेट पे सर्च किया, आई पहले परी को सुलाया और फेस पे वो जो उन्होंने क्रीम दी थी वो लगा के मैंने बहुत कुछ सर्च किया। तब मुझे पता चला कि नीम के पत्ते का लेप लगा सकते हो, जो जिन चीजों से आपको ठंडक मिले ना वो सारी चीजें आप लगा सकते हो। वैसी वैसी चीजें जैसे कि चावल के पानी, वो जो ये होती ना गवत होता है, क्या बोलते, गवत नहीं, दुर्वा, दुर्वा दुर्वा चावल के पानी में मिक्स करके लगा सकते हो, ऐसे बहुत कुछ चीजें। तो नीम के पत्ते मुझे सबसे आसान लगा, क्योंकि हमारे नीचे, घर के नीचे पेड़ है बहुत सारे, तो नीम के पत्ते का भी पेड़ है। तो फिर वो लेकर आए और वो लगाया। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ मेरे दशहरे के दिन से मेरी कितने दिन में ठीक हुआ वो सब आप देखिए, मेरे उस दिन से जो मैंने शूट किया था वो देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको आगे की स्टोरी बताती हूँ। तो आज दशहरा है और मैं इस लेटी पड़ी हुई, देखिए ये जो नागिन एक ये होता है ना रैशेस का कुछ बीमारी होती है शायद, तो वो हुई है, अचानक से हुई। वो वैसे वायरल इन्फेक्शन है, मैं आज डॉक्टर के पास जाकर आई तो उन्होंने ये क्रीम दी है एसीवीर क्रीम करके। तो मैंने भी थोड़ा सा सर्च किया तो इससे काफ़ी इलाज फटाफट रिकवरी होती है, लेकिन पता नहीं, तो देखते हैं। और डॉक्टर मुझे दवाई भी दे रहे थे लेकिन दवाई खाती नहीं हूँ इसीलिए। तो ये देखिए आग भी पूरी सूज गई है और यहाँ पे हुआ है, फिर ये जो आईब्रो है ना यहाँ पे भी पूरा हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे भी हुआ है, सर पे, यहाँ पे अंदर भी। तो ये जो है ना मुझे फेस पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ से आँखों से वो सर तक जाता है, किसी किसी को पेट पे होता है, किसी किसी को प्राइवेट एरिया में होता है। तो ये तो अच्छा है कि फेस पे, वैसे फेस पे नहीं होना चाहिए था लेकिन ठीक है, जो भी जहाँ भी हुआ है सो हुआ है। तो
तो देखते अभी कब तक ठीक होगा। पर सोइए, तो मैं अभी ये कर रही हूँ। और मैंने ना नीम के पत्तों से भी नहाई आज, जब दोपहर को नहाई तो नीम के पत्ते डाले पानी में, फिर नहाई तो जितनी भी होम्योपैथी वो भी मैं ट्राई कर लूँगी, जिससे फटाफट रिकवरी हो जाए। क्योंकि परी को संभालना है मुझे अकेले इस वजह से। और आँख पता नहीं कम हो रही थी, ज़्यादा हो रही, तो डॉक्टर ने कहा है कि यहाँ तक है, अगर ये यहाँ से यहाँ पे आए तो फिर आप आओ और दवाई लेके ही जाना। तो मुझे 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया, 2 दिन में देखो क्या होता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ 2 दिन में कैसे भी करके मुझे ख़त्म करना ही है, क्योंकि परी को ना हो। डॉक्टर ने कहा है कि परी को भी हो सकता है, क्योंकि परी मेरे ऊपर रहती, मतलब मेरे पास रहती है, वो दूध पीती है, तो इसलिए परी को भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना ही पड़ेगा। और यहाँ पे भी मुझे अंदर सूज है, पता नहीं कैसे यहाँ पे भी पिंपल्स आए। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि क्या क्या किस किस के डाग, लेकिन कुछ कुछ तो उसके ही है। तो इसलिए मैंने आने के बाद 2 बार तो क्रीम लगाई है, अभी थोड़ा सा आराम करती हूँ, फिर देखते कब तक ठीक होगा वो। तो चलिए मैं आपको बाद में मिलती हूँ। और हाँ, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मुझे क्या कम है, कुछ तो कम ही बोला, इसलिए मेरे लिप्स भी वाइट वाइट हो गए। तो ब्लड चेकअप भी करना पड़ेगा। तो बोले कि पहले आप इसमें से रिकवर हो जाओ, फिर ब्लड चेकअप करके क्या एच से बोला, हार्मोन में एच से कुछ, तो मैं बाद में बताती हूँ आपको क्या कम है। तो मैं आपको मुझे थोड़ी देर के बाद। Hey guys, तो आज है नेक्स्ट डे और ये नीम के पत्तों का लेप लगाया है। तो कल से अब तक मैं बहुत अच्छे से रिकवर हुई हूँ। कल बहुत ज़्यादा आग हो रही थी और बहुत ज़्यादा वो दिख रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया है। तो कल दोपहर को जो मैंने क्रीम आपको दिखाई थी वो मैंने लगाई थी 2 बार, कल दोपहर को, फिर शाम को, रात को लेप लगाया था ये वाला ही नीम के पत्तों का। तो हमारे बाजू में भाभी ना, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मतलब मेरे पड़ोसी लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की। वो जो 2 लड़के हैं उन्होंने परी को संभाला, भाभी ने लेप लगा के दिया, कल रात को भी भाभी ने लेप लगा के दिया। इस वजह से मेरा बहुत अच्छी से मुझे राहत मिली। फिर उसके बाद रात को 12 बजे एक बार फिर मैंने क्रीम लगाई, आज सुबह जब नहाई तो उसके बाद फिर भाभी ने भी लेप लगा के दिया है। और कल रात से अब तक बहुत अच्छे से रिकवर हुआ है। तो जब आपको ये होता है ना नागिन, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है मुझे लगता है ये 2 चीज़ें, वो जो क्रीम दिखाई वो, और ये जो नीम के पत्तों का लेप है वो। तो आप ये कर सकते हो। मुझे कल पता चला था कि मुझे नागिन हुई है, अब तक मुझे पता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई उसके ऊपर इलाज नहीं किया था। लेकिन कल से अब तक मेरी रिकवरी हो रही, जितना आया था वो सब अभी जाने के इसके ऊपर और बढ़ा नहीं। तो अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ये कर सकते। तो अभी मैं थोड़ा आराम करती हूँ, ऊपर ही कोई देख रहे हैं कोई, तब तक मैं थोड़ा आराम करती हूँ, तब तक ये भी सूख जाएगा। फिर बाद में मैं 3-4 बजे के बाद फिर एक बार वो क्रीम लगाऊंगी और रात को फिर से नीम के पत्तों का लेप। तो मुझे लगता है शायद कल तक तो चला भी जाए, या और कल परसों तक, ये 2-3 दिन में रिकवर हो जाएगा। तो देखते। तो चलिए मैं अभी आराम करती हूँ और बाद में आपसे। रात को, मतलब मैंने दिन में 2 बार नीम के पत्तियों का लेप और 2 से 3 बार क्रीम लगाई, वो जो डॉक्टर ने दी थी वो। और पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन में तो मेरा ऑलमोस्ट सब गया था। और ये दाग भी अभी धीरे धीरे करके सब जा रहे, ये जाने के लिए और 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन फिर भी फेस आप देख सकते काफी अच्छा रिकवर हुआ है। और 10 दिन का आपने देखा होगा, मतलब फर्स्ट डे का, जब मुझे पता चला कि मुझे नागिन हुई है उस दिन का मैं बता रही हूँ, उससे पहले स्टार्ट हो गया था बट मुझे उस दिन पता चला। तो ये नागिन जाने के लिए बहुत टाइम लग सकता है, 15 से 20 दिन लग सकते हैं या फिर बहुत टाइम, लेकिन मेरा 5 से 7-8 दिन में रिकवर हो गया। जैसे मैंने कहा, 2 बार मैंने नीम के पत्ती का लेप लगाया हर दिन, और 2 से 3 बार क्या कहा, वो क्रीम जो डॉक्टर ने दी थी वो लगाई, और उससे वो ठीक हो गया। तो जो नीम के पत्तियों का लेप है वो कोई नहीं, वो बस मैं नीम के पत्ते बाहर से लाई करा दी थी, हमारे जो बाजू वाली भाभी उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की एक्चुअली।
वही मुझे डेली लगा के देती थी, क्रीम भी और ये भी नीम की पत्तियों का लेप, दोपहर को एक बार और एक बार रात को। वो खुद आती थी, लेकर भी आते थे, वो धोकर हम उसको पीसते थे, पीसने के बाद वो खुद ही पीस कर ला देती थी, फिर हम फ्रिज में रखते थे, जितना हो सके उसको उतना ठंडा करते थे और फिर लगाते थे। पूरी तरह से उन्होंने भर देते थे मुझे वो नीम के पत्तियों से, और फिर मैं जितना हो सके उतना ज्यादा टाइम रखने की कोशिश करती थी। लेकिन परी भी थी तो आधा एक घंटे में तो उठना ही पड़ता था, या परी उठी ये सब, तो इसमें हो जाता था। और 3 से 4 दिन में मैं रिकवर हो गई और वापस मेरा फेस जैसा था वैसा हो गया। तो ये जो बीमारी है ना, इसमें बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि मैं कैसे मैनेज करूंगी, कोई भी नहीं, ये कैसे होगा, लेकिन हो जाता है, बस आपको अपने आप पे भरोसा होना है, मुझे पड़ता है। बहुत ज्यादा आया नहीं, क्योंकि क्या हुआ, जब मुझे स्टार्ट में होने लगा ना, जब भी मैंने ध्यान दिया उसके ऊपर, अगर मैं ध्यान नहीं देती, मुझे लगता ठीक है कुछ तो हो रहा है, पिंपल्स ऐसे समझ के छोड़ देती, तो हो सकता था मेरा पूरा चेहरा भर जाता और फिर उसको रिकवर होने के लिए बहुत टाइम लगता, क्योंकि वो बहुत डेंजरस हो जाता है आगे जाके। लेकिन मैंने टाइम पे उसके ऊपर, जैसे मैंने कहा ना, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया, डॉक्टर के पास जाकर आई, डॉक्टर से पता करवाया कि ये है क्या, डॉक्टर ने बताया तो उसका इलाज तुरंत ढूंढ के तुरंत काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने मतलब सोच लिया था कि मुझे 2 से 3 दिन में उसको खत्म करना है, और खत्म हो गया। और ये खत्म होने के लिए सबसे बड़ा हाथ है राज, वो भाभी और हमारे बाजू में जो दो लड़के हैं उनका। भाभी हर रोज मेरे लिए वो पीस कर लाती थी, लगा कर देती थी। अगर वो नहीं करती ना, वो मतलब ये था कि हाँ है कोई, तो ऐसा फील होता है जब आपको कोई तो है, ये फील होता है ना, तो उसमें आपकी आधी बीमारी भाग जाती है। और जब भी मुझे लेप या क्रीम लगे रहते थे ना, तो ये जो हमारे बाजू में दो लड़के कन्नू और तनु, उन दोनों परी को संभालते थे, तो मुझे मतलब ये रहता था कि चलो है लड़के और वो संभाल रही है, इसीलिए मैं शांति से वो क्रीम लगा के रह सकती थी, नहीं तो परी आके वो सब उड़ा देती। लेकिन वो दोनों बेचारी उसको संभालती थी। तो सबसे बड़ा हाथ है भाभी, वो दो तनु और कन्नू का, और राज, इन वजह से, इन लोगों की वजह से मेरी रिकवरी जो जल्दी हो गई। और परी ने भी उस, वो जो पीरियड था ना पिछली 5-6 दिन, उसमें ज्यादा परेशान नहीं किया, बहुत अच्छे से वो रही, इस वजह से मैं जल्दी से रिकवर हो गई। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपको हो जाता है ना, तो ज्यादा वरीड मत कीजिए, बस आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आपको हो क्या रहा है। मैंने ये भी किया था, मैं जब नहाने जाती थी ना, तो उसमें भी मैं नीम के पत्ते डाल के नहा रही थी, मतलब जितने हो सके उतने मैंने ठंडक लेने के काम किए, मतलब कि नीम के पत्ते पानी में डाल के हो गए, या जैसे क्या बोला, लेप लगाना हो गया, वो क्रीम, और वो जो क्रीम मैंने आपको बताई ना, अभी आपने देखी होगी, दिखाई चाहिए तो मैं उसकी लिंक अगर मुझे मिल गई तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो इसका रिव्यू मैंने बहुत जगह पे देखा, मतलब मैंने जितने यूट्यूब पे भी वीडियो देखे ना, उसके नीचे बहुत जगह पे कमेंट थे कि आप ये क्रीम यूज कीजिए, तो वो क्रीम ना बहुत लोगों ने सजेस्ट की थी। तो आप अगर बाय चांस आपको ऐसा कुछ भी होता है, तो आप वो क्रीम ले सकती हैं। मुझे तो डॉक्टर ने रिकमेंड की थी कि आप ये यूज कीजिए, इसीलिए मैंने की, बट आप भी कर सकते। तो ये थी मेरी हर्पीज बीमारी की जर्नी, नागिन बीमारी की जर्नी, जो कि अचानक से हुआ। और पता है बहुत बुरा लग रहा था, एक दिन तो मैं सुबह 4 बजे से उठ के रो रही थी 6 बजे तक, कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, परी को कैसे संभालूंगी, बहुत कुछ कुछ मन में आया था। और एक चीज का बहुत बुरा लगा कि मुझे ये हुआ है, ऐसा बहुत लोगों को पता चला होगा, लेकिन किसी ने भी मुझे फोन नहीं किया। इसका मुझे बहुत बुरा लगा कि किसी को भी लगा नहीं कि रानी जिंदा है कि मर गई, वो भी देखो, पता नहीं मुझे बुरा लगा। बाकी मुझे किसको ने क्या सोचा, किसको क्या लग रहा है, इससे मतलब नहीं, लेकिन मुझे उस चीज का बहुत बुरा लगा कि किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, वो आपके पड़ोसी हो या कोई भी हो, आपके साथ कौन इंसानियत का रिश्ता निभाता है ना, उनके साथ इंसानियत निभाओ सिर्फ, बाकी कोई भी रिश्ते कुछ मायने नहीं रखते, वो खून के हो, रिलेशन में हो या कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखते, किसी को भी किसी कदर नहीं होती है कि, मतलब जैसे मैंने कहा ना, किसी को लगा भी नहीं कि रानी को एक फोन करके पूछना चाहिए ऐसे, तो फिर रानी ने कुछ किया तो रानी का तो बहुत बुरा लग जाता है सबको, लेकिन रानी को जब कुछ होता है ना, तो किसी को फिक्र नहीं होती।
लेकिन ठीक है यार, फाइनली मैं ठीक हो गई हूँ। ये सबसे बड़ी बात है, 3 से 4 दिन में मैं रिकवर हो गई, और भगवान देता है कि साथ। अगर आपके पास कोई नहीं होता है ना, तो भगवान आपको अकेला नहीं छोड़ता है, किसी ना किसी को भेज देता है आपकी हेल्प करने के लिए। और मेरा भी टाइम निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस बुरा इस बात का लगा कि किसी को भी लगा नहीं कि रानी क्या कर रही है, उसको क्या चल रहा है देखने के लिए। और ठीक है, मुझे भी वैसे पहली बार में पता, तो मुझे उम्मीद ही नहीं किसी से। मुझे पता है मेरे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ जैसे मैंने कहा, इसीलिए उस दिन सुबह उठ के मुझे रोना आ रहा था कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन कोई नहीं, भगवान ने जब ऐसा किया भी ना, तो उसमें से आपको समझ में आती है, सीखने को मिलती है कि कौन आप मानते कौन नहीं मानते, किसको आपकी फिक्र है किसको नहीं है। बोलने के लिए बोलते हैं हम आपको ये मानते हम आपको वो मानते, लेकिन कुछ नहीं मानते। जब टाइम आता है ना, तो बराबर सब पता चलता है। लेकिन कोई नहीं, मेरे पड़ोसी थे, मेरे जहाँ भी गई हूँ ना, मैंने अपने रिलेशंस बहुत अच्छे रखे है कहीं पे भी, तो इसलिए काम हो गया। और जैसे कि मेरी लाइफ के ना दो बहुत बड़ी बड़ी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है, एक तो डिलीवरी की जर्नी और एक ये हारपीस वाली, जो कि बहुत, मैं कभी बीमार नहीं पड़ती हूँ, सबसे बड़ी बात। बाय चांस पड़ी तो एक दिन में मैं ठीक हो जाती हूँ, लेकिन जो आज ये टाइम इसीलिए था, बड़ा इसलिए था ये वाला मेरा टाइम, क्योंकि परी को संभालना था, और ये परी को भी हो सकता था, इसलिए मुझे डर था। लेकिन कोई नहीं, उन दोनों लड़कियों ने मेरे परी को संभाल लिया, भाभी ने मेरी इतनी केयर की कि मैं ठीक हो गई, कुछ नहीं बिगड़ा मेरा। और इस दोनों टाइम में भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंने कहा कि डिलीवरी के टाइम पे तो आप लोगों ने देखा मेरे साथ कोई भी नहीं था, और इस टाइम पे भी, तो इसका मतलब कि कोई नहीं मेरे साथ, मुझे अकेले हर एक चीज मैनेज करनी, तो फिर ठीक है। मुझे कोई पता नहीं, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल, बस मुझे इतना पता चला कि मेरे जो दो सबसे बड़े बुरे बुरे वक्त या खुशी के वक्त, दोनों भी थे समझ लीजिए, पर आने का टाइम थोड़ा बुरा भी था, थोड़ा खुशी का भी था, लेकिन उस टाइम पे भी कोई नहीं था मेरे साथ। और रीजन मुझे नहीं जानने किस वजह से क्यों क्यों ऐसा हुआ, रीजन मुझे समझ, मैं सच कहूँ तो मुझे समझ के नहीं लेने, अंडरस्टैंड करने ही नहीं, क्यों मैं अंडरस्टैंड करूँ हर बार, लेकिन नहीं था कोई भी। और इस बार भी यही हुआ, इस बार तो चलो उस टाइम भी थाईलैंड में थी, इस बार तो इंडिया में थी, फिर भी नहीं था ना। कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है। हो गया सब मैनेज, और मैं भी ठीक हो गई हूँ, मेरी परी को भी कुछ नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है, बाकी तो कोई नहीं। तो बस ये थी मेरी हारपीस की जर्नी। तो बाय चांस अगर आपको होता है, तो ज्यादा डर मत, पॉजिटिव रहिए कि हाँ हो जाएगा मैनेज। और मैंने तो यही इलाज किया जिससे कि मैं जल्दी से ठीक हो गई, थोड़ा बहुत सर्च कीजिए। मेरे सच में बोलूँ, मेरे हर एक बुरे वक्त पे ना, इंटरनेट, मेरी माँ बाप सब, रिलेशन सब सब मेरा मोबाइल ही बना है, मेरा इंटरनेट ही बना है, क्योंकि किसी ने कभी कुछ नहीं बताया। तो ये थी मेरी हारपीस नागिन बीमारी की जर्नी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पॉजिटिव रहिए हर एक चीज में, हर एक चीज जल्दी से ठीक हो जाती, आपको दिख ही रहा होगा दशहरे के दिन मेरा फेस किस तरह से था, और आज मेरा फेस कितना अच्छा लग रहा है उसके मुकाबले। पूरी आंख मेरी ऐसी हो गई थी, मेरी आंख तो दिखती भी नहीं थी, मेरे बाजू वाले बोल रहे थे कि तेरी आंख तो दिख भी नहीं रही थी, एकदम छोटू सी हो गई थी, लेकिन फिर से मैं ठीक हो गई। ये जो जख्म है वो अभी सूख गई है धीरे धीरे करके, ये भी निकल जाएगी जैसे कि ये निकली है। और अंदर के जो फ्योड़ी ना, वो इस वजह से अभी तक रही क्योंकि अंदर ज्यादा लेप लगाया नहीं गया, तो मैं देखूंगी और 2-3 दिन तक मैं लेप और क्रीम लगाने वाली हूँ, तो अंदर भी मैं लगाऊंगी जिससे कि वो भी निकल जाए इसीलिए। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, जल्दी से कोशिश करूंगी कि मैं फिर से ब्लॉग कंटिन्यू करूं, तुरंत होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन करने की कोशिश करूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।